अभी दोस्तों, वेलकम बैक टू जीवन ज्ञान। और आज का लेसन स्पेशली फॉर हरियाणा वाले, ये स्पेशल वीडियो है हरियाणा वालों के लिए और स्पेशली टू जाट बिरादरी। तो आई बिलोंग टू दिस जाट कम्युनिटी और तो आज की वीडियो स्पेशल और जाट भाइयों के लिए, परिवार के लिए, कि ऐसा क्यों होता है। मतलब जब भी शादी होती है या फिर शादी के लिए रिश्ते आते हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी, भाई मतलब सरकारी नौकरी हो या फिर 5 किले हो, उससे नीचे बात ही नहीं होती है लड़कों के लिए। कोई भी लड़की वाले अगर आते हैं रिश्ता देखने तो या तो लड़का सरकारी नौकरी लगा हुआ हो या फिर 4-5 किले आते हों, उसके बाद ही आगे बात बढ़ती है। मतलब लड़के को देखेंगे ही नहीं, बेसिक एलिजिबिलिटी ये है, ये एलिजिबिलिटी क्रॉस करेंगे उसके बाद आगे बातें चलेंगी हैं। तो भाई ऐसा क्यों है, इसकी कोई रीज़न बता सकता है मेरे को? मतलब कोई प्राइवेट में अगर 1,00,000 रुपये महीने कमा रहा हो, कोई पॉइंट नहीं उसका। कोई दारू का ऐप नहीं, कोई लड़कीबाजी का ऐप नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं, मतलब नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे चपड़ासी लाग रहा हो, कहूँ सरकारी नौकरी चाहिए। और 5 किले आंदे हो, चाहे दारू वाला ऐप हो और चाहे छोरी वाला ऐप हो, कुछ भी हो, बाज का ब्याह कर देंगे, कहूँ वो कौन देखा कोई सा भी। तो ये सच्ची में मतलब फिलहाल के टाइम पे तो जो मैं फेस कर रहा हूँ तो वो आप लोगों को बता रहा हूँ। हम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, गुस्सा या नाराज़गी तो नहीं बोलूँगा, बट यस थोड़ा सा अजीब है कि अभी भी ये वाली सोच बरकरार है जाट कम्युनिटी में। और भाई थोड़े से आगे निकलो, थोड़े बाहर निकलो, किलों से ऊपर उठो, सरकारी नौकरी से ऊपर उठो, एंड देन लुक टू दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दी ग्रूम होम यू आर लुकिंग आफ्टर। तो जिस भी बंदे को देख रहे हो, लड़की के लिए अगर लड़का देख रहे हो तो वो चीज़ देखो। तो ये लड़के वालों की तरफ से मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई अगर किसी भी लड़के को देखने जा रहे हो तो एक बार थोड़ा उसका बैकग्राउंड चेक करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बस सरकारी नौकरी या फिर किले हों तो वही बंदा ठीक होगा, वो ठीक से रख पाएगा। और मतलब मेरे को सच्चे में समझ में नहीं आया भाई, आजकल की लड़कियां शादी करने के बाद किलों में भी जाती नहीं ना, खेतों में जाती नहीं है, घर पे ही रहेगी, घर पे ही काम करेगी, तो क्या कर लोगे 5 किलो? चल कोनी छोरा तो रहे और ले रहा है 4-5 किले ले रहा है घर को, तो तारी छोरी कौन सी किले में जाकर अड़बा देगी है, कौन सी खेती कर देगी, रब की घर आए वही काम करेगी। आजकल आली बिटोड़िया में कौन जान दी, गोबर लो कौन ठान दी, तो क्या खतर किले देखने हैं भाई। समझता परे है बात, कहूँ टोटली समझता परे है। अगर किसी भाई का बात समझ में आओ तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दियो नीचे लिख कर। और अगर आप लोग भी सहमत हो इस बात पर तो वीडियो ने शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और पूछो भाई, पता करो अपने जितने भी बड़े बुढ़े हैं बडेरियाँ हैं, पता करो, पूछो कि की दिक्कत है, क्यों इस सोच पासा पड़ रहे हैं। छोरा ने कोई कौन देखा है भाई, अब भी छोरा है कि बिना ऐप वाला है, इसने कोई कौन देखता। तो आज का लेसन यही है मेरी तरफ से कि अगर रिश्ता करने जाओ हो तो छोरा का परिवार देखो, सुबह देखो, छोरा का बोल बदला करो, छोरी ने बात करने दो, और फिर अगर नहीं समझ मानती तो फिर टाल कर दो। बट बेसिक एलिजिबिलिटी धरती है भाई, यह चीज़ नहीं होगी तो बातें को नहीं होगी, वैसे आगे बातें कौन चल दी। इसे चक्रा में फिर ब्याह पाचा यार दारू पिल्ले मिल जाए हैं, कहूँ फिर 1-2 साल में न्यारे हो जाए हैं घर ते, फिर छोटी कोडी हो जाए हैं, बेरा ने भाई फिर के रोले चल रहे हैं। तो टेक वन स्टेप अबव, कहूँ एक स्टेप आगे लो, और ये चीज़ थोड़ी सी कम होनी चाहिए, मेरी तरफ से यही गुजारिश है फिलहाल के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ। कहूँ आज के टाइम पे तो यही चल रहा है भाई, आगे फ्यूचर में अगर चेंज हो जाएगा तो अलग बात है। बट दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, टिल देन स्टे कनेक्टेड फॉर डेली वीडियोज, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, एन्जॉय करो, मौज लो, नो सोरो, अनटिल टमोरो। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा जी।